हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो इज़ अ हेयर मास्क वीडियो DIY। फर्स्टली गाइस, मैंने राइस को लिया था अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने ओवरनाइट सॉक करके रखा था वॉश करने के बाद। इसके बाद गाइस, मैं इसको एक पैन में डाल के कुक कर रही हूँ। दूसरी साइड में मैंने फ्लेक्सी लिया हुआ है, तो मैं इसको भी कुक करूँगी एक पैन में। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से कुक करना है दोनों को। आप लोग देख सकते हैं राइस को कंसिस्टेंसी इस तरीके की होने तक आपको कुक करना है। जब ये इस तरीके का हो जाएगा तो इसको ठंडा करने के बाद आप एक ब्लेंडर में डाल के राइस को ब्लेंड कर लेना, जिससे इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, तो एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसके बाद गाइस, जो मेरे फ्लेक्सी सीड्स का जेल था उसको मैंने अच्छे से निकाल लिया था एक क्लॉथ में डाल के। तो आप लोग देख सकते हैं राइस का पेस्ट किस तरीके का तैयार हो गया है ब्लेंड करने के बाद, थिक सा। तो गाइस, इसके बाद अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, तो आप दोनों को मिक्स करना है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को इक्वल ही मिक्स किया है। इस दोनों को मिक्स करने के बाद आप लोगों ने अपने हेयर पे अप्लाई करना। गाइस, आप लोग अपने हेयर का ध्यान रखें, जब भी आप हेयर मास्क अप्लाई करें तो आपका हेयर क्लीन होना चाहिए, आप गंदे बालों पे मत लगाएं। तो मैंने ओवरनाइट ऑयलिंग की हुई थी अपने हेयर पर, तो मैंने हेड वॉश करने के बाद इस मास्क को वेट हेयर पे अप्लाई किया है। अगर आप हेयर मास्क कोई भी लगाते हो, मेक श्योर कि आप इसे वेट हेयर पे ही लगाओ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपने रूट से लेकर लेंथ तक लगाया है, तो इसके बाद आपको इसको हाफ एन आवर तक छोड़ना है, उसके बाद आपको वॉश आउट कर देना है। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और शाइनी बनाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर